हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, हमने अभी थर्ड सेमेस्टर की वीडियो स्टार्ट कर दी थी। एक वीडियो मैंने आपको कल दी थी जिसमें हमने बेसिक टैक्सोनॉमी डिस्कस किया था और उसकी कुछ हिस्ट्री डिस्कस की थी, मतलब कि उसकी डिस्कवरी, मतलब कैसे स्टार्टिंग हुआ टैक्सोनॉमी का, पहले कैसे बेस पे टैक्सोनॉमी होती थी, फिर धीरे धीरे कैसे एडवांस फॉर्म आई, इतनी बातें हमने कल की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी, जो टैक्सोनॉमी की मेन कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमने सिलेबस देखा था, तो हमको सबसे पहले क्या करना था, टैक्सोनॉमी के कंपोनेंट देखने थे। कंपोनेंट में क्या क्या दिया था, आइडेंटिफिकेशन दिया था, कैरेक्टराइजेशन दिया था और नोमेनक्लेचर दिया था। ये तीन चीज़ें वहाँ पे दी थी। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारा जो कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें, तो सबसे पहला आता है हमारा कैरेक्टराइजेशन। ये आपकी हेडिंग है कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने, आप गए हैं कहीं पे रिसर्च करने, कोई प्लांट आपने डिस्कवर किया और उसके कैरेक्टर के आपने जैसे ही उसको देखा, तो आपने उसको उसके सारे कैरेक्टर को कॉपी पेन लेके नोट कर लिया। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आपने देखा कि उसके नोज़ कित, मतलब उसकी आइज़ कितनी है, तो आपने देख लिया कि उसके पास टू आई हैं, उसके पास टू आइज़ हैं, टू लेग्स हैं या फोर लेग्स हैं, टू लेग्स हैं मान लीजिए, टू हैंड्स हैं, टू ईयर हैं और मेमोरी ग्लैंड्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे कैरेक्टर उसके, आपको जो भी बाहर से देखने, मॉर्फोलॉजी को देख के आपके जो जो कैरेक्टर आपको समझ में आए, आपने सब नोट डाउन कर लिया। तो ये स्टेप हो गया किसी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन करना, उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानना। तो क्या दिया है, द ऑर्गेनिज्म टू बी स्टडीज इज डिस्क्राइब फॉर ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, उसके सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको आप देख लेते हैं, लिख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो वो जो पार्ट होता है कंपोनेंट टैक्सोनॉमी का, वो होता है कैरेक्टराइजेशन। मतलब आपने उसके सारे कैरेक्टर को देख के उसको, मतलब नोट डाउन कर लिया, उसके सारे कैरेक्टर को स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट कंपोनेंट आता है, वो आता है आइडेंटिफिकेशन। आपने कैरेक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है, आपने उसको देखा, आपने उसके सारे कैरेक्टर्स को लिखा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या आप क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे। अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, आपके पास आईडी कार्ड होता है, तो वो आईडी कार्ड को जो आपके स्कूल के गार्ड होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब देखते हैं कि अच्छा ये नाम है, आपकी फ़ोटो मैच हो रही कि नहीं हो रही है इस नाम का स्टूडेंट, मतलब कि आपके सिग्नेचर्स वगैरह सही है, मतलब सब कुछ देख के तो आपको फिर देखता है कि आपको ये क्लास अच्छा जाए। जैसे आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं, तो आपका जो प्रवेश पत्र है उसको गार्ड देखते हैं और आपको बताते हैं कि अच्छा आपका इस सब्जेक्ट का अगर है तो आप वहाँ पे जाइए। उसी तरीके से जब कैरेक्टराइजेशन हो जाता है, मतलब गार्ड ने आपका कैरेक्टराइजेशन कर लिया, अब आइडेंटिफिकेशन करेगा कि आप मैथ्स के हैं या बायो के हैं, तो आप जो है रूम नंबर इतने में जाइए, आपका रोल नंबर इतना है तो आप रूम नंबर इतने में जाइए, आपका एग्जामिनेशन जो रूम है वो है। तो इसका मतलब कि आपके कैरेक्टर के हिसाब से उसने आपको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रख दिया। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से जब आप किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, आपने उसके कैरेक्टर को स्टडी किया, ठीक है, उसके कैरेक्टर को मतलब लिखा, उसके बाद उसके कैरेक्टर के हिसाब से जो भी ग्रुप, उसके हिसाब से जो भी कैरेक्टर जिस उस ग्रुप से मैच करते हैं, उस ग्रुप में आप उस ऑर्गेनिज्म को प्लेस करेंगे। क्या दिया है, बेस्ड ऑन द स्टडी कैरेक्टराइज्ड कैरेक्टर के स्टडी के बेसिक पे, जो आपने कैरेक्टर स्टडी किया था उसके बेसिक पे, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का जो आइडेंटिफिकेशन है, उसकी जो पहचान है, इज कैरिड आउट टू नो वेदर इट इज सिमिलर टू एनी ऑफ नोन, यहाँ पे नोन जानने वाला नोन होगा, नोन ग्रुप और टैक्सा और नॉट। बात समझ में आई कि कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से आपने जो कैरेक्टराइजेशन किया, उसके हिसाब से आपने जो भी उसे कैरेक्टर, मतलब आपको पता है कि तो हाथ और मेमोरी ग्लैंड्स किस में पाए जाते हैं, मैमल्स में पाए जाते हैं, तो इसके कैरेक्टर के हिसाब से आप इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये किस ग्रुप का मेंबर हो सकता है, ये मैमल्स का मेंबर हो सकता है। तो उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करके किसी एक ग्रुप में प्लेस करना, उसको कहते, मतलब उसके ग्रुप के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन।
आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या होता है क्लासिफिकेशन, ये सारे स्टेप्स हैं। जब आप किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो आपको पहले क्या क्या करना होगा, पहले कैरेक्टराइजेशन करना होगा, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, अब आप करेंगे उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे कि आपने जो आइडेंटिफाई किया है उस आइडेंटिफिकेशन के साथ जो ग्रुप मैच करेगा आप उसको उसमें ले जाके प्लेस कर देंगे, उसका प्रॉपर क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज सब कुछ वहाँ पे मेंशन करना होगा। तो क्या दिया है, आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद नाउ द ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड, अब जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाएगा फॉर इट रिजेंबलेंस, उनकी रिजेंबलेंस मतलब उनकी जो भी संभाव, उनकी जो भी मिलाप है, मतलब कि उनके जो भी करेक्टर है उस हिसाब से किस में वो रिजेंबल करते हैं, किससे वो मिलते जुलते हैं, रिजेंबलेंस ऑफ डिफरेंट टैक्सॉन पॉसिबल, जिस टैक्सॉन में वो पॉसिबल होंगे, उनके करेक्टर जिस टैक्सॉन से रिजेंबल करेंगे, मिलते जुलते होंगे, हम उनको वहाँ पर जाके जो है कि क्लासिफाई कर देंगे। इफ़ ऑर्गेनिज्म मे नॉट रिजेंबल, अगर ऑर्गेनिज्म रिजेंबल नहीं करता किसी भी नोन टैक्सॉन से, किसी भी आपने जो पहले से टैक्सॉन का क्लासिफिकेशन आपने किया है उसमें से किसी में भी ऐसे करेक्टर्स नहीं है जो कि आपने नया ऑर्गेनिज्म जो खोजा है उसके अंदर जो करेक्टर्स हैं, तो क्या करेंगे, ए न्यू ग्रुप और टैक्सॉन इज रेज टू पेस्ट, एक नया ग्रुप या फिर एक नई टैक्सॉन का फॉर्मेशन किया जाएगा। बेसिक चीज़ है कि आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अब आप देखेंगे कि ये जो कैरेक्टर जो हमने आइडेंटिफाई किया है ये कौन से टैक्सॉन्स में मैच करता है, अगर किसी टैक्सॉन में वैसे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं तो आप क्या करेंगे उसको ले जाके वहाँ रख देंगे। अब मान लीजिए कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म मिल जाए जिसके पास दो हाथ हो, दो पैर हो, मेमोरी ग्लैंड भी हो, विंग भी हो, और विंग के साथ साथ उसके पास क्या हो, उसके पास गिल्स भी हो, ऐसा तो हमने अभी तक कोई टैक्सॉन नहीं पढ़ा है कि जिसके पास गिल्स भी हो, विंग्स भी हो, मेमोरी ग्लैंड्स भी हो और जो है कि दो हाथ पैर भी हो, ऐसा हमने नहीं पढ़ा है। तो इसके लिए हमको कोई नई टैक्सॉन बनानी पड़ेगी जहाँ पे हम इस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। तो मतलब आपने जो जो कैरेक्टर देखे हैं उस कैरेक्टर का सेम टू सेम अगर आपके पास कोई ग्रुप है, कोई टैक्सॉन है, तो आप उसको ले जाके वहाँ क्लासिफाई कर देंगे। अगर नहीं है तो आपको एक नई टैक्सॉन बनानी पड़ेगी, आप अंडरस्टैंड करिए कि अच्छा इसके ये कैरेक्टर इस टैक्सॉन से मिलते हैं, ये कैरेक्टर इससे मिलते हैं, इससे ये कैरेक्टर एडवांस है, इससे ये कैरेक्टर प्रिमिटिव है, तो आप उनके बीच में इसको प्लेस्ड कर देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से उनके कैरेक्टर के हिसाब से उनके जो पहले से नोन क्लासिफिकेशन है उनके टैक्सॉन में इसको क्लासिफाई करना क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब लास्ट क्या आता है, अब आपने क्लासिफाई भी कर दिया, क्लासिफाई करने के बाद अब उसका कुछ नाम भी तो होना चाहिए, आपने कोई नई स्पीसीज खोजी है उसको क्लासिफाई कर दिया कि मान लो ये मैमल्स का मेंबर है, बट इसका कोई जीनस और कोई स्पीसीज भी तो होना चाहिए, इसका कोई पर्टिकुलर नाम होना चाहिए ना, तो अब क्या करेंगे, आफ्टर क्लासिफिकेशन द करेक्ट नेम गिफ्ट टू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को सही सही नाम देंगे। सही सही नाम का क्या मतलब कि प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए नाम देना चाहिए, एंड कन्वेंशन ऑफ नॉर्मन कल्चर, जो भी रूल्स और कन्वेंशन है नॉर्मन कल्चर के उसको फॉलो करते हुए हम ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं। तो ये थे कंपोनेंट, पहले क्या था, कैरेक्टराइजेशन था, सबसे पहले क्या देखा हमने, कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन उसके बाद हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन उसके बाद हमने क्या देखा, नॉमेन कल्चर, नॉमेन कल्चर। इसके डिफिनेशन को आप लोग लिख लेंगे और स्टेप्स को भी याद कर लेंगे, क्या है स्टेप्स, CICN, ये स्टेप्स है। तो पहले कैरेक्टर्स पता चलेंगे तभी तो क्लासिफिकेशन करेंगे, इसलिए पहला जो सी है वो कैरेक्टर के लिए, दूसरा जो सी है वो क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं एक बार आप लोग को स्लाइड दिखा देती हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड जो देखी थी वो आइडेंटिफिकेशन की देखी थी, उसके बाद हमने जो उसके बाद स्लाइड देखी थी वो क्लासिफिकेशन की देखी थी, उसके बाद यहाँ पे जो कहीं पे तो नोन का के एन गलत हो गया था ना, वो उसमें आप लोग सही कर लेंगे वहाँ पे, ये फिर नॉमन कल्चर वाली स्लाइड है। अब हम बात करते हैं कि नॉमन कल्चर की बात तो हो गई कि रूल और रेगुलेशन से नॉमन कल्चर करना है, लेकिन आखिर वो रूल्स और रेगुलेशन होते क्या हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से नॉमन कल्चर किया जाता है, तो वो रूल्स क्या क्या है वो हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक हो सकता है नॉमन कल्चर, ठीक है, नॉमन कल्चर ऑफ प्लांट या रूल्स ऑफ नॉमन कल्चर, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे
कि देखेंगे कि इसमें कौन कौन से रूल्स हैं। मैंने आपको कल ही बताया था, जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है उसमें जो नेम्स होते हैं वो दो होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को टू नाम दिया जाता है। पहला उसका क्या होता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। जीनस का जो नाम होता है वो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर वो क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या है कि ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड, जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो लैटिन भाषा के होते हैं। अब ये बात आती है कि दुनिया में इतनी सारी लैंग्वेज हैं तो हम लैटिन भाषा पे ही क्यों खोजें, क्यों लैटिन भाषा का ही यूज़ किया गया। इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सारे कंट्रीज में इसके बारे में लोग जानते हैं, तो इंग्लिश दे देना चाहिए था, बट ऐसा नहीं किया गया, लैटिन वर्ड का यूज़ किया गया। तो लैटिन वर्ड यूज़ करने का पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि लैटिन जो लैंग्वेज है ये एक डेड लैंग्वेज कही जाती है। अब डेड लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि ये लैंग्वेज मर गई है, डेड लैंग्वेज का मतलब कि इसके इस लैंग्वेज में समय के साथ कोई भी चेंज नहीं होते, नो चेंज विथ टाइम, नो चेंज विथ टाइम। तो इसलिए जो है कि लैटिन वर्ड को लिया गया है। अगर चेंज होता तो मान लो आज मटर का नाम पाइसम से टाइमम रखा गया है, कल इस लैंग्वेज में थोड़ी सी डिस्कवरी हो जाती, थोड़ी सी चेंजेस हो जाते तो इसका कुछ और फॉर्म आ जाता, तो नाम अलग हो जाते, तो फिर एक कन्फ्यूजन होता कि पहले इसको इस नाम से कहते थे अब इसको इस नाम, एक नाम तो याद होते नहीं, 50 नाम कहाँ से याद होंगे। इसलिए ऐसी भाषा का यूज़ किया गया जो कि डेड हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हों, तो ये ठीक है। अंडरलाइन वाली बात याद है कि जो जेनेटिक नेम और जो स्पीसीज के नेम होते हैं वो अंडरलाइन किए जाते हैं सेपरेटली, सेपरेटली मतलब अलग अलग से वो अंडरलाइन किए जाते हैं। उसके बाद एक क्या था कि जो हम नाम लिखते हैं अपने ऑर्गेनिज्म का, उसके बाद में लास्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा साइंटिस्ट होता है जिसने उसकी डिस्कवरी की होती है उनका नाम का कुछ वर्ड, कुछ एब्रिवेटिव लिख देते हैं। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका को किसने डिस्कवर किया था, मैंजीफेरा इंडिका को किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर किया था लीनियस ने। तो मैंजीफेरा इंडिका लिखने के बाद हम लीनियस का एल आई एन एन लिख देते हैं, तो इससे थोड़ा सा पता चल जाता है कि किस साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कवरी की थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप लीनियस नहीं लिखते हैं तो आपका नेम गलत है, मतलब ये भी एक तरीका है जिसके हिसाब से बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिए जाते थे, ठीक है। और एक बात और आती है कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी ऑर्गेनिज्म का आज नाम दिया, ठीक है, आपने उसका आज नाम दिया, लेकिन तब आपको पता नहीं था कि इस ऑर्गेनिज्म का पहले से नाम दिया गया है और इसके पहले भी किसी पर्सन ने उसका कुछ नाम दिया था, आप दोनों के नाम अलग अलग हैं, ठीक है, तो आपके नाम को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, आपके नाम को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, जो नाम पहले दिया गया था उसी को जो है कि मान्यता मिलती है, क्योंकि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में एक रूल होता है, रूल ऑफ प्रायोरिटी, रूल ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या कि जो पहले नाम देगा, जो पहले पब्लिश करवाएगा अपना नाम, आप 50 साल पहले नाम दे दीजिए, लेकिन अगर वो आप प्रॉपर जाके ICN से पब्लिश नहीं करवाते हैं, वहाँ पर रजिस्टर नहीं करवाते हैं, तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने इसका ये नाम दिया है। जिसने पहले जाके रजिस्टर करवाया उसी का ही नाम एक्सेप्टेड होगा, इसे वो कहते हैं रूल ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का नियम। जिसने पहले जाके अपना नाम रजिस्टर करवा लिया उसी का नाम पब्लिश होगा कि इस ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी है, इसके बारे में जानकारी इन्होंने दी थी, इसका नॉमेनक्लेचर इन साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। तो आप लोग सावधान रहिए, कभी अगर कभी किसी प्लांट पर डिस्कवरी करने का टाइम मिले, उसका नॉमेनक्लेचर करने का टाइम मिले, तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग जो है कि रजिस्ट्रेशन करा लें और आपका नाम आए। पढ़ लेते हैं, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लीनियस, यहाँ पे सी का कैपिटल लिखना चाहिए था और एल को भी कैपिटल लिखना चाहिए था, गिवन बाय कैरोलस लीनियस इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम। इनकी बुक का नाम याद रखेंगे, इनकी बुक का क्या नाम है, स्पीसीज प्लांटेरम,
याद रखेंगे, ये पूछता भी है। स्पीसीज प्लैंकटन की एक बुक और आपको पढ़नी होगी आपके सेकेंड यूनिट में। तो दो साइंटिस्टों ने सेम नाम की बुक दी थी, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पर अगर बायनॉमल नॉर्मल कल्चर से रिलेटेड स्पीसीज प्लैंकटन की बात आती है तो आप इसी पे साइंटिस्ट के साथ जाएंगे। दीज आर फॉलोइंग सम रूल्स रिगार्डिंग टू बायनॉमल सिस्टम ऑफ नॉर्मल कल्चर। आगे जो रूल्स दिए गए हैं वो बायनॉमल सिस्टम ऑफ नॉर्मल कल्चर के हिसाब से कुछ रूल्स दिए गए हैं जिसको फॉलो करके हमको नॉर्मल कल्चर देने हैं। क्या है? द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस। हमने देख लिया था, हमने जो चीज़ें शॉर्टकट में अभी यहाँ देखी थी ना, कहाँ पे? यहाँ पे हमने जो चीज़ें शॉर्टकट में देखी, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, अगर समझ में आती राइटिंग तो। राइटिंग वैसे मेरी बहुत गंदी है हमको पता है, लेकिन अगर आप लोग को समझ में आता है तो शॉर्टकट में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो चीज़ें हम लोग दो तीन स्लाइड में डिस्कस करेंगे वो मैंने इन शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, पेन ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस, पहला जो वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और इसको क्या कहते हैं? जेनेरिक नेम, या फिर इसको कहते हैं जेनेरिक एपिथेट। जो जीनस वाला नाम होता है, जैसे पाइसम सटाइवम की अगर हम बात करें, आप लोग को लगता होगा कि मैम को बस एक ही नाम आता है पाइसम सटाइवम, उसी का एग्जांपल हर जगह देती रहती हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं बस इसलिए देती हूँ क्योंकि पाइसम सटाइवम एक ऐसा वर्ड है, ऐसा नाम है जो सारे स्टूडेंट को पता होता है। तो पाइसम सटाइवम अगर हमने वर्ड दिया तो इसका जो पहला वर्ड होता है इसका ये इसका जो है कि जीनस को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम क्या कहेंगे? जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम या फिर जेनेरिक एपिथेट, एपिथेट। ठीक है, उसके बाद वेयर इज द सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पीसीज। दूसरा जो वर्ड है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट। इसको क्या कहते हैं? ये जो सटाइवम वाला वर्ड है ये इसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, इसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट। उसके बाद द जेनेरिक एपिथेट ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। हमने देख लिया कि जेनेरिक का जो पहला लेटर है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा और जो स्पीसीज का पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और लास्ट में क्या है? बोथ दीज नेम आर अंडरलाइंड सेपरेटली। जो ये दोनों नाम है वो अंडरलाइंड होंगे सेपरेटली, और लैंग्वेज कौन सा होगा? इटैलिक। अगर आप इसे लिखते हैं तो आप इसे इटैलिक में लिखेंगे, वैसे तो लैंग्वेज लैटिन होती है लेकिन आप इसे इटैलिक में लिखेंगे, थोड़ा सा तिरछा करके लिखेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे, कुछ रूल्स यहाँ पे भी दिए हैं। तो रूल्स क्या है? जनरली द नेम ऑफ ऑथर गिवन द नेम इज रिटन आफ्टर स्पेसिफिक स्पीसीज एपिथेट इन एब्रिवेटिव फॉर्म और इन फुल फॉर्म। जनरली द नेम ऑफ ऑथर, ऑथर क्या होता है? जैसे आपकी बुक में कोई कविता किसी ने लिख दी थी तो कहते हैं ये इसके ऑथर हैं, इसके लेखक हैं। उसी तरीके से अगर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम किसी ने दिया तो कहते हैं ये ऑथर थे जिन्होंने ये नाम दिया था। तो स्पीसीज एपिथेट के बाद में, स्पीसीज एपिथेट के बाद में एब्रिवेटिव फॉर्म में, मतलब जैसे लीनियस का पूरा नाम लीनियस था तो आप शॉर्ट फॉर्म में लीनियस लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरा लीनियस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप एब्रिवेटिव फॉर्म में लिखें चाहे फुल फॉर्म में, मेनली जो है सब लोग नॉर्मली जो है एब्रिवेटिव फॉर्म में लिखते, कौन इतना लंबा लिखने जाएगा। उसके बाद क्या है? नो कामा, कोई कॉमा नहीं होता है। जैसे आपने यहाँ पे पाइसम सटाइवम लिखा था, पाइसम सटाइवम लिखा था, उसके आगे आपने लीनियस लिख दिया, तो इन दोनों के बीच में कोई भी हाइफा नहीं होगा, कोई भी कॉमा नहीं होगा, मतलब कि डायरेक्ट स्पीसीज के नाम के बाद डायरेक्ट आपके साइंटिस्ट का नाम होगा, कोई कॉमा या कोई हाइफन नहीं होगा। बिटवीन स्पेसिफिक नेम एंड ऑथोरिटी, जो ऑथर थे और जो स्पीसीज का नाम है उसके बीच में कोई भी कॉमा या हाइफा नहीं होगा। द डिफरेंट नेम गिवन टू द सेम स्पीसीज, अगर किसी ने अलग अलग नेम दिए हैं बाई डिफरेंट वर्कर, अगर किसी दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम दिया है तो इसको कहते हैं साइनोमस, एस वाई होगा, साइनोमस कहते हैं। बट द नेम गिवन फर्स्ट इज कंसीडर टू द वैलिड, मतलब जिन्होंने पहले बार नाम दिया था उसको क्या कहते हैं? उसका ही नाम एक्सेप्टेड होता है, जिन्होंने दूसरी बार दिया उनके नाम को एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। बायनोमियल नॉर्मल कल्चर इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। जो बायनोमियल नॉर्मल कल्चर है, वैसे तो ये थोड़ा टफ है, इसके वर्ड्स जो है याद करना टफ होते हैं, लेकिन इसको पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया है, इसी क्लासिफिकेशन को इसी के आधार पर नॉर्मल कल्चर किया जाता है। अब बात आती है कि ऐसे कौन सी संस्थाएं हैं जो कि इस नॉर्मल कल्चर को रेगुलेट करती हैं। अगर आपने किसी चीज का नॉर्मल कल्चर किया तो आप किस संस्था के पास जाएंगे अपने रजिस्ट्रेशन के लिए? तो सबसे पहले एक संस्था है आईसीएन,
इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमनकल्चर जी एक रेगुलेट करती है बॉटनी, जूलॉजी, वायरस, बैक्टीरिया सबके नॉमनकल्चर को, ठीक है। अब इसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा होता है ICBN का और दूसरा हिस्सा होता है ICZN का। तो ICBN का फुल फॉर्म क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमनकल्चर, और ICZN का फॉर्म क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनकल्चर। तो अगर आपको एक का याद होता है, जैसे आपने ICN का याद कर लिया इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमनकल्चर, तो अगर B आ जाता है तो बॉटनिकल लिख लीजिए, Z आता है तो जूलॉजिकल लिख लीजिए। ये नॉमनकल्चर, ये जो फुल फॉर्म्स हैं आपको याद होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, फिर से पूछे जा सकते हैं, या फिर आप अगर ऐसे मतलब आपको दे दिया गया कि ICBN क्या है या फिर ICBN के बारे में डिस्क्राइब करिए, तो आपके उसके फुल फॉर्म लिखेंगे तो अच्छे इंप्रेशंस आएंगे, अच्छे आपके नंबर्स आएंगे। तो ICBN का मतलब क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनकल्चर। ICZN का मतलब क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनकल्चर। ICN का मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमनकल्चर, याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं टैक्सा, एक वर्ड आता है टैक्सा। अब इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, हमको ये वर्ड थोड़ा पहले समझ लिए होते तो भी ठीक रहता है, यहाँ पे भी समझ रहे तो कोई भी गलत बात नहीं है, ठीक है। टैक्सा वर्ड को हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया हम समझा देंगे। टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, किसी भी रैंक पे, किसी भी लेवल पे अगर आप किसी ग्रुप के स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं टैक्सा। अब मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कि अगर आप किसी किंगडम के स्टडी करते हैं, ये स्लाइड्स आपको दिख रही है ना, किंगडम लिखा है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, एक बार लिख लेते हैं, किंगडम, फिर उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, बोलते रहेंगे साथ साथ में, उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हैं, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के किंगडम के लेवल पर स्टडी करते हैं, मतलब मान लीजिए आपने सारे एनिमल्स के बारे में स्टडी की, तो भी उसको क्या कहेंगे कि ये एनिमल टैक्सा पर स्टडी कर रहे हैं, या फिर एनिमल किंगडम टैक्सा पर स्टडी कर रहे हैं। अगर आपने फाइलम लेवल पर मान लीजिए कॉर्डेट्स के ऊपर स्टडी की, तो भी कहा जाए कि कॉर्डेट एक टैक्सा है। मतलब कि ऐसा कोई ग्रुप जिसके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको कहते हैं टैक्सा या टैक्सॉन। उसके बाद अगर आप क्लास के बारे में भी स्टडी करते हैं, तो भी आप किसी एक टैक्सा के स्टडी कर रहे हैं। ऑर्डर, फैमिली, जीनस, यहाँ तक कि स्पीसीज या किसी पर्टिकुलर मेंबर के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, तो आप टैक्सा के स्टडी कर रहे हैं। टैक्सा मतलब कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिफिनेशन या स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है, मतलब आप किसी भी लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप पूरे यूनिवर्स पर स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप किसी किंगडम पर स्टडी कर रहे हैं, किसी फाइलम पर, किसी क्लास पर, किसी ऑर्डर पर, किसी फैमिली पर, किसी जीनस पर, किसी स्पीसीज पर, आप किसी भी लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, तो वो ग्रुप कहा जाएगा कि ये एक टैक्सा है। बात समझ गई, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, कोई भी रैंक हो, चाहे किंगडम हो, चाहे ऑर्डर हो, चाहे क्लास हो, चाहे फैमिली हो, चाहे जीनस हो, चाहे स्पीसीज हो, किसी भी रैंक पे अगर आप स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमिक, तो उसको कहते हैं टैक्सा। या फिर आप कह सकते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की यूनिट किंगडम भी हो सकती है, फाइलम भी हो सकती है, क्लास भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकती है, स्पीसीज भी हो सकती है, जीनस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर आपको ये ऑर्डर याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि किंगडम और फाइलम तो सबको याद रहता है, और आप इसको याद रख सकते हैं कॉफ से, हम तो ऐसे ही याद रखते हैं, हमको किंगडम फाइलम याद रहता है, जीनस स्पीसीज याद रहता है, ये इसका अरेंजमेंट भूल जाता है कि सी पहले आ कि ओ की एफ, तो हम इसको सिंपली सी ओ एफ कॉफ याद रखते हैं, तो इसलिए हमको ये याद रहता है। आप लोग जिस भी तरीके से याद रखते हो, या आप लोग को याद हो तो अच्छी बात है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे कि फाइलम के किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज, ये जो है हायरार्की है। ये हायरार्की भी किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। ये जो हमने देखा था ना कल की बेसिक जो हायरार्कीज थी, उसका फॉर्मेशन भी कैरोलस लिनियस ने ही किया था। अब थोड़ी सी आगे बातें चलती हैं, एक ये फिगर मैंने आपके लिए लाया है, अब इस फिगर से हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे नीचे दिया है किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज, ठीक है।
अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि ऐसे किसी टैक्सॉन का नाम बताइए, ऐसे किसी टैक्सा का नाम बताइए जिसके मेंबर के अंदर सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब क्वेश्चन ये है कि ऐसे टैक्सा का नाम बताइए, ऐसे टैक्सा का नाम बताइए जिसमें मोस्ट सिमिलर कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, ऐसे किसी टैक्सा का नाम बताइए जिसमें जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो मोस्ट सिमिलर हो, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा अपने मन में आंसर दीजिए, अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो मैं बताती हूँ। सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर अगर किसी टैक्सॉन में होंगे जो कि यहाँ पे दिए हैं तो वो होगा आपका स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज होगा। कैसे स्पीसीज होगा कि अगर आप किंगडम में बात करते हैं, मान लीजिए कि मैं एनिमल किंगडम के ऊपर बात करती हूँ, अगर आप किसी किंगडम के बारे में बात करते हैं तो आपने मान लीजिए एनिमल किंगडम लिया, तो एनिमल किंगडम आपने लिया तो आपने कहीं ना कहीं पोरीफेरा से लेके कॉर्डेट्स तक के सारे मेंबर्स को लिए, तो इनमें कितना वाइड वेरिएशंस है, सिमिलैरिटीज बहुत कम है, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनिमल किंगडम में सारे मेंबर आते हैं, जितने भी पोरीफेरा से लेके आपके जितने भी मेंबर लास्ट तक ऑडेट्स तक मैमल्स तक हैं वहाँ तक के मेंबर्स आपने एनिमल किंगडम में ले लिए। उसके बाद अगर आप फाइलम की बात करते हैं, मान लीजिए आपने फाइलम कॉर्डेट्स ले लिया, मान लीजिए आपने फाइलम जो है वो कॉर्डाटा ले लिया, तो कॉर्डाटा में कहीं ना कहीं आपने सिफेलोकॉर्डेटा, उसके बाद जो है कि हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद आपने मछलियों को मतलब पीसीज को ले लिया, आपने रेप्टाइल्स को ले लिया, आपने एम्फीबियंस को ले लिया, आपने बर्ड्स को ले लिया, आपने मैमल्स को ले लिया, तो इस कॉर्डेट्स में भी आप ये सोचिए मछली में और एक कॉर्डेट मतलब कि एक मैमल्स में कितना डिफरेंस है, एक बर्ड्स में और एक हेमिकॉर्डेटा में सिफेलोकॉर्डेटा में कितना डिफरेंस है, आपने कॉर्डेटा कह दिया मतलब आपने जो पूरा वाइड जो टैक्सॉन है उसके बारे में बात की, तो इनके मेंबर के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस एनिमल किंगडम से तो कम है, बात समझ में आ रही, मतलब एनिमल किंगडम में आपने वहाँ से शुरुआत किया था जहाँ पे टिश्यू लेवल भी नहीं बना था, सेल एग्रीगेट होके एक बॉडी का फॉर्मेशन करते थे साइकॉन वगैरह में, वहाँ से वेरिएशन आपने ह्यूमन जैसे डेवलप ऑर्गेनिज्म तक लिया था, तो अब तो उससे वेरिएशंस तो कम हो गई, मतलब कॉर्डेट से बात करिए मतलब जिसके पास नोटोकॉर्ड होगा, जिसके पास बॉडी वेल डेवलप मतलब कि उसके पास डाइजेशन सिस्टम वेल डेवलप होगा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म ही कॉर्डेट्स में है, मतलब कि कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी बढ़ रही है ऊपर जाने पर डिससिमिलैरिटी कम हो रही है। अगर अब हम चलते हैं किसी क्लास में, क्लास अगर मान लीजिए हम मैमल्स ले लेते हैं, मैमल्स ले लेते हैं, तो कॉर्डेट से कहीं ना कहीं जो है वेरिएशंस जो है कम होने लगी और सिमिलैरिटीज बढ़ने लगी, क्योंकि मैमल्स में वो सारे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसके अंदर जो है मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, मतलब वो स्तनपान कराते हैं अपने शिशुओं को, तो अब चमगादड़ भी उसी मेंबर में आता है, आपके ह्यूमंस भी उसी में आते हैं, कुछ फिशेज भी उसी मतलब कुछ जो है जल में रहने वाले जीव भी उसी में आते हैं, तो इसमें भी क्वाइट वेरिएशंस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी की अपने बच्चों को पैरेंटल केयर काफ़ी डेवलप टाइप में देते हैं, वो उसको उनको दूध पिलाते हैं, उसके बाद जो है कि बहुत सारे और भी कैरेक्टर जो है इनके अंदर सेम होते हैं, मतलब यहाँ से जब हम यहाँ जा रहे हैं तो वेरिएशंस कहीं ना कहीं कम हो रही है और सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। ऑर्डर की बात करें, अगर मान लीजिए हम किसी ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स हैं, तो अगर हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं तो ऑर्डर भी अगर हम सिर्फ प्राइमेट्स की बात करें तो इसका मतलब कि इसमें सिमिलैरिटीज और ज़्यादा हो जाएंगी और डिससिमिलैरिटीज कम हो जाएंगी। अगर इसी तरीके से बढ़ते जैसे कि अब आपको समझ में आ रहा है कि जब आप नीचे के लेवल से मतलब इधर जा रहे हैं, जब आप किंगडम से स्पीसीज की साइड जा रहे हैं तो सिमिलैरिटीज बढ़ रही हैं और डिफरेंसेस कम हो रहे हैं, और अगर आप स्पीसीज से बढ़ रहे हैं किंगडम के साइड तो आपके लिए वेरिएशंस बढ़ रही हैं और सिमिलैरिटीज कम हो रही हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि अगर आप इधर बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप चीज़ें देख रहे हैं, जो आप ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं वो अपने कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, और यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो जो भी ऑर्गेनिज्म है जैसे जो भी किंगडम है उसमें बहुत सारे आपको जनरल ऐसे कैरेक्टर बहुत ज़्यादा जनरल देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डेविएशन बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, इसलिए जो स्पीसीज है ये जो है सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो मेम्बर्स होंगे वो
एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो करते हैं, जैसे कि ह्यूमन की अलग अलग जो स्पीसीज है, ह्यूमन की मतलब ह्यूमन की बारे में, ह्यूमन में भी तो काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, तो उनमें जो वेरिएशंस हैं वो बहुत हद तक सेम है, कुछ ही वेरिएशंस हैं। उसी तरीके से जीनस में भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं, वेरिएशंस बहुत कम होते हैं। तो इस हिसाब से आप ये याद रख सकते हैं कि जब किंगडम्स जब स्पीसीज के साइड जाते हैं तो हमारी जो डिफरेंसेस हैं वो कम होने लगती हैं और जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बढ़ने लगती हैं। वहीं जब हम स्पीसीज से किंगडम के साइड आते हैं तो हमारी जो है डिफरेंसेस बढ़ने लगती हैं और सिमिलैरिटीज़ जो हैं कहीं ना कहीं कम होने लगती हैं। ठीक है, इसके बाद एक स्लाइड यहाँ पे ये है कि अगर आप प्लांट में क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, अगर आप प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपको कुछ सफिक्स लगाने होंगे। सफिक्स का मतलब क्या होता है, जिसे आप हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का मतलब क्या कि आपने कोई वर्ड लिया उसके पीछे आपको कुछ ऐड करना होगा। तो अगर आप डिवीजन मतलब किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं उसके डिवीजन के बारे में लिखते हैं तो लास्ट में आपको फाइटा लिखना होगा। फाइटा का मतलब क्या, जैसे स्पर्मेटोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, लास्ट में फाइटा वर्ड यूज़ हो रहा है। सब डिवीजन में फाइटिना वर्ड यूज़ करना होगा। अगर आप किसी का क्लास लिख रहे हैं तो फाइसी, ऑप्सीडा या एसी लिखना होगा। जैसे कि फाइसी का क्या हो गया, जैसे यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा क्लास, क्लास इसमें ऑप्सीडा वाला दिया है, मैंगोलोप्सीडा। फाइसी भी बहुत सारे मेंबर्स में यूज़ होता है, जैसे कि क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जैसे एल्गी वगैरह में, तो लास्ट में फाइसी होगा। ऑर्डर्स में एल्स होगा, जैसे रेनल्स हो गया, और फिर यहाँ पे क्या दिया है, फैनल्स दिया है। इस तरीके से कोई भी वर्ड एंड होगा तो एल से एंड होगा। अगर सब ऑर्डर है तो आई एन ए सी से, और मतलब इन ए सी से एंड होगा। फैमिली है तो ए सी से, सब फैमिली है तो ओ ए सी से, ट्राइब है तो ई ए सी से। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से, जहाँ से जो है वर्ड्स जो हैं एंड होते हैं अगर आप प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि फाइलम को किस वर्ड से बॉटनी में एंड करते हैं, या ऑर्डर को किस वर्ड से एंड करते हैं, सफिक्स क्या लगाते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको याद कर लेंगे, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है कि डिवीजन में फाइटा, सब डिवीजन फाइटीना, इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है आज की वीडियो में, क्वेश्चन देख लिया जाए, चलिए थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। ICBN स्टैंड्स फॉर, अभी मैंने आपको बताया फुल फॉर्म ICBN का, तो ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN का फुल फॉर्म क्या है, या ICBN किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। पहला क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। दूसरा क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल और इंटरनेशनल कोड ऑफ बायनोमियल नेमिंग। तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस इसमें दो में नॉमन कल्चर दिया है, इसमें नेमिंग दिया है, और एक में बॉटनिकल, दो में बॉटनिकल दिया है, दो में बायनोमियल दिया है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको क्या बताया था, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमन कल्चर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बायनोमियल नहीं था और बॉटनिकल यहाँ पे है, तो नेमिंग नहीं था, नॉमन कल्चर था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन मेंजिफेरा इंडिका, एक नाम है आम का नाम है ये बॉटनिकल, मेंजिफेरा इंडिका, इंडिका इंडिकेट्स, इसमें जो इंडिका वर्ड है ये क्या इंडिकेट करता है। पहला क्या है, नेम ऑफ जीनस, दूसरा क्या है, नेम ऑफ स्पीसीज, तीसरा क्या है, स्पीसीज एपिथेट, और चौथा क्या है, बोथ बी एंड सी। आप लोग बताइए, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। कैसे ऑप्शन डी है, कि नेम ऑफ जीनस, जीनस का नाम तो मेंजिफेरा है, जो पहला नाम होता है वो जीनस का होता है, दूसरा डन, दूसरा क्या है, नेम ऑफ स्पीसीज, कि ये स्पीसीज का नाम है, तो इंडिका स्पीसीज का नाम है, सही बात है। स्पीसीज को क्या ही कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। स्पीसीज को ही तो हम लोग बोले थे किसको, स्पीसीज, स्पीसीज एपिथेट या स्पीसीज नेम कहते हैं, तो ये स्पेसिफिक एपिथेट है, तो इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी वाला, ये करेक्ट हो जाता है। तो पहले का ऑप्शन ए और दूसरे का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से मैचिंग करता हुआ है। ICZN कोड फॉर, मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेमिंग, इंटरनेशनल कोड ऑफ
जूलॉजिकल नॉमन कल्चर और इनब्रीडिंग कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमन कल्चर, वही वाले कॉन्सेप्ट पे ये भी है, तो बताइए कि कौन सा सही है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमन कल्चर। यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमन कल्चर, ये तो सही है। अब इसमें सामरी में गलती क्या है, इसमें जूलॉजिकल नेमिंग दिया है तो ये गलत हो गया, इसमें इंटरनेशनल कोडिंग दिया है तो ये गलत हो गया, इसमें क्या दिया है इनब्रीडिंग कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमन कल्चर तो ये गलत हो गया, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन हैं तो और भी देख लेते हैं, चलिए थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं। द साइंस ऑफ गिविंग नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, वो साइंस की वो ब्रांच या वो साइंस जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं उस साइंस को क्या कहते हैं। पहला दिया है नॉमन कल्चर, दूसरा क्या दिया क्लासिफिकेशन, तीसरा दिया कैरेक्टराइजेशन, चौथा दिया आइडेंटिफिकेशन, मतलब दूसरा चौथा इस तरीके से। तो ऑप्शन बताइए आप लोग कौन सा सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। कैसे, नॉमन कल्चर को तो कहते हैं नाम देना, क्लासिफिकेशन का मतलब उसको डिवाइड करना, आइडेंटिफिकेशन का मतलब उसको पहचानना, कैरेक्टराइजेशन का मतलब उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसको लिखना कि उसके कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं इन बायोलॉजिकल बायनोमियल नॉमन कल्चर द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ, जब हम बायनोमियल नॉमन कल्चर करते हैं तो किसी ऑर्गेनिज्म का नाम क्या क्या कंसिस्ट किए होता है। पहला क्या है, अ साइंटिफिक एंड अ कॉमन नेम, मतलब कि इनके कहने का मतलब कि जो दो नाम होते हैं, एक साइंटिफिक नाम होता है एक कॉमन नाम होता है। नेम ऑफ जीनस इन द स्पीसीज, सेकेंड ऑप्शन का कहना है कि एक नाम जो है वो जीनस का होता है, दूसरा नाम जो है स्पीसीज का होता है। तीसरे ऑप्शन का कहना है कि ए नाम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, एक नाम होता है जो दो साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था इसलिए इसको कहते हैं बायनोमियल नॉमन कल्चर। लास्ट में क्या है, वन नेम इज लैटिन एंड अदर इज कॉमन, मतलब दो नाम होते हैं, एक लैटिन में होता है दूसरा जो है कि कॉमन नेम होता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, आप लोग को पहले ही क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया होगा कि जो है कि नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज, नाम क्या जीनस एक होता है, दूसरा क्या होता है स्पीसीज का होता है। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड कर देते हैं और कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में। आप लोग को हर्बेरियम के बारे में पढ़ना है, बॉटनिकल गार्डन पढ़ना है, उसके बाद कीज पढ़नी है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हमने टैक्सोनॉमी के बेसिक कंपोनेंट अंडरस्टैंड किए और फिर हमने जो है कि ये किंगडम स्पीसीज के बीच में कैसे डेविएशन होती हैं, कैसे सिमिलैरिटीज बढ़ती हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ों का नोट्स बनाएंगे, रिविजन करते रहेंगे। कल की वीडियो में हम लोग टैक्सोनॉमी रिसोर्सेज को स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर हर्बेरिया कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से मेन हर्बेरिया आपके वर्ल्ड में है, इंडिया में है, कैसे हर्बेरियम बनाया जाता है, आप कैसे हर्बेरियम बना सकते हैं, उसकी क्या क्या रूल्स होते हैं, आपको क्या क्या चीजें उसमें करनी होंगी, वो सारी की सारी चीजें हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहिए, आपका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा आने वाला है अगर आपने पूरी मेहनत के साथ अपनी प्रिपरेशन की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक ऑफ हर्बेरियम।